बताया आज और तालाब किनारे किनारे तालाब खास मोटर सा कम से कम 8-10 बीघे काम है। वीरपुर वीर वीरपुर सब दिखेंगे जवाब पूरा भर जाएगा लंबा लंबा। धन्यवाद धन्यवाद आए के भी जून जुलाई आप तो लिया तो है ही है गलती भी हो सकती है। देसी घास का वृक्षारोपण किया गया, 4 तालाब बनाए गए बड़े बड़े और 5,000 पौधों का वृक्षारोपण। सारे वृक्ष देसी वृक्ष है, बरगद, पीपल, आम, इमली, नीम, औदुम्बर, जामुन, कदम, करंज, अर्जुन, ऐसे देसी वृक्ष लगाए गए हैं। और 2700 गौ माता बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे चराई करके उनका जीवन निर्वाह आनंद पूर्वक करती है। यहाँ जो गोबर रोज का हमारे पास 15,000 किलो गोबर पैदा होता है, उस गोबर से जमीन को भी सुधारा जाता है, साथ में आसपास के किसानों को 1 ट्रॉली चारे के सामने 1 ट्रॉली गोबर दिया जाता है। आसपास के 40-50 गांव के सभी किसान इसके साथ बहुत प्यार पूर्वक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज भाई जो इस संस्था के अध्यक्ष महोदय है वो भी हमारे साथ है। क्यों पंकज भाई ये प्रयोग करने के बाद? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। 70-80 लाख का दान जा रहे हैं, कोई भी शक्ति नहीं। और हर साल 60-70 लाख का दान हर साल दे रहे हैं। आज तक गरीब का दो अपने आप खुद आते हैं। हम बोलते हैं Thank you.
जी आगे निकल जाओ ना यार। चलो आगे आ जाओ ना प्लीज मैडम, थोड़ा आगे आ जाओ। Thank you.
पीछे आ जाओ तो थोड़ा बस चलो यहाँ ओके पंकज भाई अरविंद भाई रामपुरा आ गए जरा चलो दोनों चलो या कोई कुछ ना अपन हरि चल जाएगा तो मनीष भाई अबो यहाँ अरविंद भाई रामपुरा आए बाय हमने नेतावन ले लो समझ मोटा थी मोटो लाम विचारो करता सीधो नजर आ रहा है ये आई जाए जम ना फोटा उतारो फोटा फोटा चाड़ू हाँ आवाज ना अपना समय लगा के रातों दिन गिरीश भाई शाह के पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता है गिरीश भाई तो श्री कृष्ण भगवान ने स्वर्ग से भेजे हुए गौ माता के रक्षण को भेजे हुए प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि का अगर हम पल्लू पकड़ा उनका पल्लू पकड़ा तो सीधे हम वैकुंठ धाम ही पहुंचने वाले हैं, ये सबको पता है। भले वो हमारे रमेश जी हो वसवाल जी रमेश वसवाल जी हो गिरीश भाई सत्रा हो परेश भाई शाह हो धर्मेश भाई शाह हो हमारे हीरा भाई शाह हो सब ट्रस्टीगण उनको पता है कि हम अगर गिरीश भाई का पल्लू पकड़ते हैं तो हम सीधे वहां ही पहुंचने वाले हैं। मुझे बहुत 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 बड़ा आनंद होगा दो तीन दिन में जिनकी जो सोच है। मैं महाराष्ट्र के मेरे सब गौ भक्तों को गौशाला चालकों को गौ प्रेमियों को गौ रक्षकों को कहना चाहूंगा कि देखो एक दिन मदद मिलने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, एक दिन मदद मिलने से सेवा हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की कोई भी गौशालाओं को मदद मांगने की जरूरत ना पड़े यह परिवर्तन हो जाएगा। यह परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर आए, परिवर्तन के लिए सेवा होती जाती है। सेवा तो राम उत्सव में होती है, कभी बड़ा काम करता है कभी कोई मेला पैसा मिल जाता है कभी भी हो जाती है, लेकिन सेवा में काम चलता नहीं परिवर्तन में काम चलता है। इसके लिए आपको यहाँ तक लाने का प्रयास यही है कि हमारे गौशाला में हमारे भूमि में परिवर्तन आना चाहिए। देखो कभी भी हमारे विचारों से परिवर्तन होता है, हम जो कुछ विचार अंदर पलते हैं जो विचार हमारे अंदर बिछते हैं जो विचार हमारे अंदर बड़े होते हैं उससे परिवर्तन हो जाता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 साल के थे तभी तलवार हाथ में ली थी, मुगलों का राज्य था, चारों ओर माता बहनों की चिंगारी आती थी, माता बहन चिंतित थी, गौ माता काटी जाती थी, अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार से पूरा महाराष्ट्र डूबा था। तब हमारे 12 साल के छत्रपति ने तलवार निकाली और 700 साल चलने वाला सुल्तानी का नंगा राज और 32 साल में 10 तारा मुख करके 32वां स्वर्ण सिंहासन पे आरूढ़ होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के संख्या
राम मुझे आते नहीं है। तो हमको कम से कम बंदा जितना तो प्रामाणिक बनना पड़ेगा, हम है वैसे कुछ बात नहीं है। पहले 5 साल पहले तो कल भी ओपन मेट को उन्होंने क्या बोला, क्या बोला उन्होंने, शुरू के तो देना ही चाहिए, बट सरकार की कुछ मर्यादाएं होती है, सरकार ने हाईवे भी चलानी पड़ती है। तो इस बर्फबारी के माध्यम से आप सबको भी बिल्कुल प्रार्थना करूँगा, गुजरात में भी इशू क्या हो गया, उत्तराखंड का इशू क्या है, राजस्थान में भी 40 रुपया है, एमपी में भी 40 रुपया है, तो इसको साथ में मिल के पॉजिटिवली तो विरोध हमको नहीं करना, क्योंकि हमारे सब लोग हैं जो बैठे हैं वो हमारे सबके हैं, मोदी साहब भी हमारे सबके हैं, तो उनसे एक संगठित स्वरूप में हम प्रार्थना करें और भारत के सभी राज्यों में प्रति पशु 100 रुपया अगर मिल जाए तो हम सबको ये गारंटी भी देनी होगी और देनी भी होगी कि एक भी पशु पैसा ना दूंगे करेंगे हम संकल्प में। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार से प्रार्थना करके 100 रुपया पर लीटर पर सब्सिडी करवाएंगे, बोले संकल्प लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो पूरे राष्ट्र का ये जो बेसहारा पशु का प्रश्न है सभी दृष्टि है, आप साथे आएंगे और इनको जिन्होंने सहयोग किया काम के लिए ऐसे इनके सबके अपने अपने गर्भवती होगी साथ में आ जाए आ, उनका सहयोग नहीं मिलता तो काम भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है घर से निकलता है मुंबई से कहां जा रहे चलो आवाज़ हो एक मिनट पंकज का ओके एक बार इनको इतने तालियों से अनुमोदन करे इनको लगे कि हमने जो काम किया है और जिन्होंने ताली की मदद उनको इतना काम अच्छा नहीं लगा गया हाथ ऊपर करके 3 मिनट तक प्रचार करनी चाहिए। जीव मात्र का
काम किया है, इस काम को जितना भी अनुमोदन करें, और यहाँ जितने जितने गौशाला पांडापुर वाले आए हैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने किया है वो कोई चंद्र पे वो रॉकेट भेजने वाला बड़ा काम तो किया नहीं है, हाँ कि उसमें साइंटिस्ट लगे, फिर वो पार्ट्स लगे और मोदी जी का प्रोत्साहन लगे। हाँ, अपने अपने गांव में आप लोग भी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना? आवाज़ धीमी आ रही है। हम लोग यदि अपने अपने गांव में ऐसे गौचर की, ऐसे तालाब की, ऐसे वृक्षों की व्यवस्था करें, तो मुझे ये बताओ कि आपके गांव से एक भी पशुधन रोड पे आएगा क्या? प्लास्टिक खाएगा? धीमी हो रही है आवाज़। रोड पे आएगा? प्लास्टिक खाएगा? कतल खाने जाएगा? हम सबकी इच्छा है कि भारत में पशुओं की कतल बंद हो जाए, पक्की बात। तो आप सब निवेदन करें अजीत जी को, देखिए आप मोदी जी को समझा दें और तो क्या है। तो हमारे बीच में आदरणीय अजीत जी महापात्र जी, जो कि अखिल भारतीय घोषणा संयोजक है और बहुत प्यार करते हैं, 2019 में भी 3 दिन के प्रवास था सिर्फ 20 लोगों का, उसमें भी हमारे साथ थे। पर्यावरण के लिए गोपाल जी आगे बहुत काम कर रहे हैं, और गोपाल जी ने फॉलोअप काम कर एक साथ हो भाई झड़प कर दो। इसके साथ हाँ करो, गौ माता की जीव मात्र का चलो, इनके साथ आदरणीय नवल किशोर जी का स्वागत करेंगे। दो महिलाएं आगे आ जाए, दो महिलाएं विरमगाम पांजरापोल के ट्रस्टी मंडल की धर्मपत्नियां। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, दो दफा जो MLA रह चुके हैं, ऐसे आदरणीय वर्षाबेन दोषी जी उपस्थित है। वर्षाबेन दोषी जी का स्वागत करने के लिए मैं विरमगाम गौशाला पांजरापोल के ट्रस्टी की धर्मपत्नी उनको विनंती करता हूँ। आदरणीय संत जी सूरतनाथ जी महाराज का स्वागत हो रहा है, उसके बाद आदरणीय डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब का बहुमान करेंगे। राजीव भाई भाई अहिया 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 साल में हाँ, हमारे बीच में आदरणीय गोपाल जी आर्य साहब, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे भारत के पर्यावरण संयोजक है, वो भी पधार गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करेंगे। भाई हमने बैसवा माटे नी व्यवस्था, परेश भाई आइए, गोपाल जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। जितनी तालियां बढ़ेगी उतने झाड़ ज्यादा लगेंगे। आइए, पर्यावरण गतिविधि के संयोजक पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। उधर शिप्रा जी, जो कि पर्यावरण पानी के ऊपर बहुत काम पूरे भारत में करते हैं, शिप्रा जी का स्वागत हो रहा है। ट्रस्टियों को निवेदन करता हूँ कि
कि प्रवीण भाई, गुणवंत भाई सबका स्वागत करें। आग प्रवीण भाई और गुणवंत भाई स्वागत करो। बालू भाई अने टीना भाई एमनु पण स्वागत करो। भाई ट्रस्टी मंडल पंकज भाई आग स्वागत चालू रहो। हाँ चालू चलो चार। हाँ स्वागत की इस गति बधी पूरी हो गई। बल गौ मात की जय। प्रवीण भाई आत्माराम जो कि रामपुरा पांजरापोड़ के अध्यक्ष है और बहुत जबरदस्त गौशाला चलाते हैं, इधर से 25 किलोमीटर दूर रामपुरा में उनका स्वागत हो रहा है। बालू भाई का जो स्वागत हो रहा है वो गायत्री पंचांग, मतलब किसी को कोई समस्या हो, वैसे गौ माता की सेवा करने वाले को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन समस्या और हाथ दिखाना हो तो कार्यक्रम के पश्चात आप बालू भाई को हाथ दिखा सकते हैं। वो कांग्रेस वाला नहीं, अपना अपना खुद का। उसके बाद हम टीना भाई जो कि मांडल पांजरापोल, मेरे जीवन में भी गौशाला पांजरापोल का प्रथम शब्द मांडल से शुरू हुआ। 1200 एकड़ भूमि मांडल के पास भी है और बहुत अद्भुत कार्य मांडल में भी हो रहा है। ऐसे टीना भाई जो कि मांडल से पधारे उनका भी स्वागत हो रहा है। हमारे पीछे हमारे आज के जो अवार्ड विनर विजय भाई डोबरिया संत श्री संघ से पधारे, दोनों पदाधिकारी दिलीप भाई सखिया उद्धव जी नेरकर, उनके बाद दवे साहब हिमांशु भाई सबका स्वागत हो रहा है सबका। बहुत तेजपाल भाई प्रफुल्ल भाई स्वागत की इस कड़ी में अभी विराम करते हैं। स्वागत को हो गया ना, चलो अभी जाओ नीचे। गौ मात की जीव मात्र का ज्यादा समय गवाए बिना कल शाम से मैं गिरीश भाई का स्वागत करना चाहता हूँ। अरे मानो ना कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ने दे। हमारे गुरु महाराज ने तो हमको ये कहा था कि आप कार्यकर्ता हो तो आपका कभी शाल और माला नहीं पहननी है, लेकिन कई बार ट्रस्टियों की भावना को मान सम्मान करना पड़ता है। बाकी वाकई में मैं बताऊं तो यदि मैं रोज के कार्यक्रम के हिसाब से शाल लेना शुरू करूं तो मेरी एक शाल की दुकान हो जाए, इतनी शाल रोज आती है। हम देख रहे हैं कि कल से हमारे साथ आदरणीय अजीत जी महापात्र और गोपाल जी आ रहे, कल शाम को हमारे कार्यक्रम में आ गए। भाई अरे आवाज नहीं, कोई ना बहुमान नहीं आ रहा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो मूलतः गौशाला पांजरापोल को कैसे प्राणवान बनाना, प्राणवान मतलब कि पावरफुल बनाना। भाई आप लोग अलग अलग जगह से जो आए हैं वो क्या सीखने आए हैं? गौशाला को और ताकतवर बनाने के लिए आए हैं ना। कल हमने 6 मुद्दों पे बात की थी, 6 मुद्दों पे बात की थी धर्मज में। एक मुद्दा बहुत महत्व का है, हम जिससे भी चारा खरीदेंगे उसको पहले तिलक करेंगे, उसके बाद उससे जय गौ माता बुलवाएंगे, और जो व्यक्ति दारू दुराचार व्यभिचार मांसाहार नहीं करता है वैसे ही लोगों से चारा खरीदेंगे। जितने सम्मत है उन्होंने ताली गिरा दी, बाकी सब सम्मत नहीं है क्या मेरे से? सब सम्मत है, जोरदार तालियां हो जाए जोड़े जोर से।
अब तो लगता होगा मैं बार बार तालियां करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि कईयों के हाथ अभी भी मोबाइल पे हाथ घिस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी तालियां हो जाए तो मोबाइल खिसे में चला जाए। जो अभी बचा रहे उनका हाथ मोबाइल पे था। दूसरी बात है कि ओ भाई शू करो छो, दूसरी बात है कि हम उनको ही ताकत देना चाहते हैं जो हमारे पैसे से गौ माता को काट रहे हैं। आप देखेंगे कि जहाँ से भी चारा खरीदते हैं इसमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। महत्व की बात यह है कि चारा खरीदना ही नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है आज आपने विरमगाम में देख लिया। भाई विरमगाम पांजरापुल के प्रमुख साहब कहाँ है? पंकज भाई एक मिनट मेरे साथ खड़े रहिए। कितने साल हो गए चारा खरीद के? कितना वर्ष थे चारों खरीदे हमें? चारों खरीदे बोले चौमासा माटे, बारिश के मौसम के वजह से क्या है कि ज़्यादा बारिश होए तो उसके लिए स्टॉक रखते हैं। 30-40 लाख से ज़्यादा हमने कभी कोई चारा हमने परचेस नहीं किया है। 2700 जीवों की संभाल करने के बाद सालाना खर्चा आना चाहिए 4 करोड़ से 5 करोड़, 40 लाख रुपये से ज़्यादा चारा खरीदना नहीं पड़ रहा है। आप सब आए कितनी बार पैसा मांगेंगे, कितनी बार किससे मांगेंगे? वही दानदाता आपको देख के पता है, दानदाता भी साइड की गली से निकल जाता है कि गौशाला वाले आ गए कहीं खिसा ना काट ले। होता है ना ऐसे अनुभव? सबको नहीं होता है? होता है ना। और फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाले तो कुछ देते नहीं है, गौ सेवा आयोग वाले भी कुछ देते नहीं है, तो मांगे कहाँ से? मांगने की रहे ही नहीं। पशु धन कहते हैं, धन को संभालने के लिए धन की क्या जरूरत है? वो सोच हमको विकसित करनी पड़ेगी। आज हमारे दो मुख्य मेहमानों को हम सुनेंगे, तीन महानुभावों को अवार्ड देंगे और हमें आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करना है। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, वैसे भारत में लेडीज़ फर्स्ट होती है, तो हमारे यहाँ के जैसे भारत की प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वैसे अभी इस हॉल में गुजरात के प्रथम नागरिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। ऐसे वर्षाबेन दोषी को निवेदन करूंगा 2 मिनट सबको मार्गदर्शन दे। आओ वर्षाबेन। बे हाथ ऊंचा करने गौ मात की, गौ मात की। गुजराती में बोलूँ या हिंदी में? हमारी मातृभाषा तो गुजराती है, बहुत मीठी है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में मेरी उपस्थिति है। वो हमारे संघ के सब वरिष्ठ आगेवान और जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है वो समस्त महाजन के परम वंदनीय गिरीश भाई, अलग अलग पांजरा पोल के सब सुदृढ़ नेतृत्व करने वाले श्रेष्ठ जन और उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, मार्गदर्शन करना ये आज के लिए मेरे विषय में तो है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन करने वाले और बौद्धिक जो हमको सुनना है वो उससे सुनना है, जो इसके लिए हमारे लिए जो टाइम निकाला है। लेकिन मैं गुजरात में रहने वाली, भगवान महावीर के पथ पर चलने वाली और शासन की सुरक्षा में सबसे पहली कोई बात है तो वो जीव दया है। इसलिए मेरे जो भी पद है वो पद से अलावा मेरे को सबसे ज़्यादा जो काम प्रिय है वो समस्त महाजन का काम प्रिय है, और उसके साथ जुड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार की बात होती है, सरकार में जाने का होता है, गुजरात में कुछ मंत्रियों से बात करना होता है तो मेरा सहयोग मिलता है, लेकिन गिरीश भाई जैसा तो हम कर नहीं सकते। गिरीश भाई तो ऑल इंडिया में घूमते हैं और जहाँ भी जो भी अच्छा लगे वो वहाँ से लेके दूसरे राज्य में कैसे दे सकते हैं वो कर सकते हैं,
सभी राज्यों में हमारी गौ माता को बचाने का, और प्रत्येक पांजरापोल में जो हमारे जीव है उसका संवर्धन करने के लिए सरकार से हमें सब्सिडी जो चाहिए वो लेने के लिए हम सबको एक होना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हम देते हैं सरकार को, जब चाहे तब देते हैं, तो सरकार से लेने के लिए भी हमको पूरा संगठन चाहिए। एक या दो व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, मंच पर विराजमान सब लोग ये चाहे कि हम जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ हमारा चलता है वहाँ ये चलाने का है, कुछ नहीं। हमको ये चलाना है कि हम ये देश में रहते हैं, और भारत देश में ये कराने का बहुत कठिन काम नहीं है, ये मैं जानती हूँ। विरमगाम की इसलिए मुझे ज़्यादा प्यार है क्योंकि मैं अहमदाबाद ज़िले की प्रभारी थी, अहमदाबाद ज़िले को देखती थी, अभी मेहसाणा देख रही हूँ। तो अहमदाबाद ज़िले के कारण मुझे विरमगाम की सब बातें मालूम हुई। यहाँ वीरपुर में भीड़ है, यहाँ बहुत बड़ी गौशाला है, किस तरह से सब ट्रस्टी लोग काम करते हैं वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। पूरे गुजरात में मेरा संकल्प है कि जितनी भी पांजरापोल है उसका एक बार प्रवास करना, जहाँ भी मुझे बुलाते हैं वहाँ मैं जाती हूँ, और जाके उसका कोई प्रश्न है तो उसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए उसके लिए मैं मेरी जितनी भी सोच है वो लगा देती हूँ। आज गिरीश भाई और सभी उसकी टीम, देवेंद्र भाई है, परेश भाई है, मित्तल भाई है, हमारे पंकज भाई है, सबकी जो पूरी टीम है वो टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ जो भाई लोग बैठे हैं सब लोग, आप जहाँ भी सेवा का काम करते हैं वहाँ इतना ही सोचना कि ईश्वर ने हमारे लिए सुबह बनाई है, प्रश्न आएगा तो गिरीश भाई है ही, वो कर देंगे सोल्व। तो ऊपर परमात्मा बैठा है, उसके बीच वाला गिरीश भाई है, हमारी सोच शुद्ध है तो कोई काम अटकने वाला है ही नहीं। इस सोच के साथ काम करिए। इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के कारण गुजरात की आप सबको स्वागत करती हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहन जी ने ठीक कहा कि गिरीश भाई है बीच में, लेकिन गांधीनगर जब भी जाना पड़ता है तो वर्षाबेन साथ में है, और वर्षाबेन का एक बहुत संकल्प है कि गुजरात की गौशाला पांजरापोल को अभी जो प्रतिदिन प्रति पशुधन 30 रुपया ही मिल रहा है, मेरे साथ 5 बार मुख्यमंत्री के पास आए कि कम से कम 100 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु होना ही चाहिए। और वैसे वो भले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, लेकिन वो समस्त महाजन के प्रतिनिधि है, तो समस्त महाजन के प्रतिनिधि के रूप में आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि गुजरात की गौशाला पांजरापोल, 1915 गौशाला पांजरापोल, अभी 4,15,000 पशुधन उसमें है, हम चाहते हैं 20-25 लाख पशुधन भी आ जाए तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। उसका रोज का गोबर कम से कम 2.5 करोड़ किलो, और 2.5 करोड़ किलो गोबर के आधार पे रोज की 1,000 से अधिक एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट करना, साल की 3,60,000 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती में ट्रांसफर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ सरकार यदि 100 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु देती है तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्षाबेन ये काम को आप आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ है, बीच में भी है और साथ में भी है। बोल गौ माता की जय, जीव मात्र का। मैं निवेदन करूँगा इस पूरे भारत क्षेत्र, भारत को पर्यावरण से हरा भरा करने का जिनका जिम्मा है, वैसे आदरणीय गोपाल जी भाई साहब आप पधारे, सभा को मार्गदर्शन दे। 6.5 लाख गांव है भारत में, भारत के कोई भी कोने के कोई भी गांव को देख लो, हर गांव में बरगद है या नहीं है, वड़ बोलते हैं, वट सावित्री, पीपल है, नीम है, औदुम्बर उमरा है, जामुन है, ये 5 वृक्ष, इमली, नीम, कदम, करंज, हमारे देसी वृक्ष। क्यों भारत सरकार के जंगल खाते को ये समझ में नहीं आता है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब चाहो तब प्रोसोपिस जुलिफोरा, गांडो बावल, जब देखो तब सुबावल, जब देखो तब नीलगिरी, सब विदेश जा जाके ला रहे, जबकि हमारे शास्त्रों में मृगायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, इतनी सारी परंपराएं भरी पड़ी है।
गोपाल जी भाई साहब का ये बहुत बड़ा जिम्मा है, तो मैं गोपाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, कृपया इस सभा को मार्गदर्शन करें, इस देश को देसी वृक्षों से कैसे हरा भरा किया जाए, गोपाल जी भाई साहब मार्गदर्शन करेंगे। पधारिए। संत, पूज्य संत गण और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, और यहाँ उपस्थित इस सभा में पूरे देश के एक भाग से आए हुए गौ भक्त और गौपालक बंधु हैं। मैं कल शाम से इस बात को देख रहा था और कुछ बात मेरे मन में आ रही थी, मुझे लगता है कि मैं वहाँ से मेरी बात शुरू करूँ। मैं कई बार ये सोचता था कि आदि काल से जब पहली बार समुद्र मंथन हुआ, उसमें कुछ बहुत विशेष चीज निकले थे, उसमें अमृत भी निकला था, तो उसमें गाय कामधेनु भी निकली थी। इसका मतलब गाय की शुरुआत वहाँ से हुई कि जब समुद्र मंथन में अगर कोई 14 चीज निकली थी, उसमें से एक गाय थी, कामधेनु थी। ये हमारी सनातन परंपरा है, एक बात मुझे ध्यान में आती है। दूसरी बात ध्यान में आती है कि हमेशा से मैं ये सुनता आया कि गौशाला होती है तो भैंसशाला क्यों नहीं होती, कभी भैंसशाला नहीं सुना। तो सुना कि शायद भैंस उस समय नहीं होंगे, लेकिन भैंस तो यमराज का वो था, तो इसलिए भैंस तो शुरू से थी, तो गौशाला ही क्यों, भैंसशाला क्यों नहीं। तीसरी बात, हर आश्रम में गाय और गौशाला होती थी, तो ये क्या सनातन परंपरा में गाय का कुछ महत्व है, ये शायद मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं वर्तमान की कुछ बातें बताकर मेरी बात पूरी करूँगा। जब देश आज पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ रहा है, हम प्रगति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है, हम विकास कर रहे हैं, तो आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा विकास है कि जिस विकास के अंदर हमको सांस लेने के लिए भी तरसना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है और खाने के अन्न के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शुद्ध अन्न नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा और शुद्ध हवा नहीं मिल रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ कोई दिल्ली के अगर हों तो बुरा मत मानिएगा, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी सांस लेने वाली हवा शुद्ध नहीं है, और शुद्ध कितनी नहीं है आपको विचार करना पड़ेगा। तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो 450 से 500 है, होना चाहिए 50 से 70, 10 गुना ज़्यादा जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है, हर घर में आरओ मिलेगा, ये बोतल चल रही है, क्यों, शुद्ध पानी नहीं है इसलिए बोतल का पानी पीना पड़ रहा है। तो जहाँ पर जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पीने के लिए पानी वो शुद्ध नहीं है, हवा लेने के श्वास लेने के लिए हवा वो शुद्ध नहीं है, और खाने के लिए अन्न वो जमीन से मिलता है, जमीन भी शुद्ध नहीं रही। ये विचार करना पड़ेगा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जो 3 चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही तो जिंदा कैसे रहेंगे, ये वर्तमान है। और ऐसा क्यों है कि जिस देश की गंगा मैली हो, आप विचार करिए कि जो देश प्रकृति का पूजक हो, जो देश गाय का पूजक हो, जो देश पेड़ों को पूजने वाला हो, जो देश गंगा को पूजने वाला हो, आज वहाँ पर ये सभी प्रदूषित किसने कर दिया, अगर विचार करना पड़े तो हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस सब को प्रदूषित करने के लिए, आपको आश्चर्य होगा कि जिसको हम प्रकृति ये सृष्टि बोलते हैं, उस सृष्टि में ये इंसान केवल 0.01% है, मतलब 0.0% इंसान है, 99% बाकी सब जल जमीन जंगल और जानवर है, इंसान केवल 0.01% है। इसको प्रदूषित करना अगर कोई करता है तो ये इंसान करता है, यानी मैं और आप करना है। और अगर इस प्रकृति को बचाना है, इस गांव को बचाना है, इस धरती को बचाना है, गाय को बचाना है, तो इस इंसान को ठीक करना पड़ेगा। और इसलिए मैं
हमारे गिरीश भाई को इस बात के लिए वो करता हूँ कि वो एक अथक प्रयास से, जिसके कारण जमीन बचेगी, जिसके कारण किसान बचेगी, जिसके कारण फसल और अन्न बचेगा, उसके प्रयास में लगे हुए हमारे गिरीश भाई को मैं देता हूँ कि अपने जैसे सब लोगों को यह बुलाकर इस बात का जन जागरण करना चाह रहे हैं कि हम सब जागृत हो जाएं कि एक गाय को बचा लेंगे। और एक दूसरी बात, एक गलत फहमी और पाल दी गई है कि गाय को हमने पशु मान लिया, और इसलिए बार बार हम सबको बताया जा रहा है कि गाय एक पशु नहीं है, लेकिन हमने काव उसको बनाकर जो अन्य सब गायों काव की उसको भी एनिमल बना दिया गया। गाय एनिमल है ही नहीं, अगर होती तो एक बच्चा जमीन पर पड़ा रहता है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, एक गली में गाय दौड़ रही है, अचानक एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, गाय उसके ऊपर से निकलती है, सब लोग, मैं भी देखकर दंग रह गया, लेकिन गाय ने उस बच्चे पर पैर नहीं रखा, उसको निकल के चले गई। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए नई थी, लेकिन गाय कभी बच्चे पर या किसी उसको नुकसान पहुँचाती नहीं, क्योंकि वो माँ है। और ऐसी बहुत सारी, मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं, मैं इसका वैज्ञानिक, इसका धार्मिक, इसका व्यवहारिक, इसका आर्थिक पक्ष सब बराबर है, लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यकता है कि इससे इस मानवता और इस सृष्टि को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक छोटे से प्रयास के रूप में इतनी बड़ी गंगा में यहाँ पर बैठे हुए, तो एक विश्वास जमता है कि धरती जब ही बच सकती है, कि जब अच्छा खाद बनेगा, अच्छा खाद तब बन सकता है जब अच्छा गोबर होगा, अच्छा गोबर तभी हो सकता है तब अच्छी गाय होगी। आप सोचिए, गाय को गोबर बोलते हैं, गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर मान लिया गया है, तो हमारा विचार करना पड़ेगा कि गाय को देखने का दृष्टिकोण बदलकर उससे पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मुझे बात ध्यान में आती है, दूसरी बात कि गाय भी आज बचानी है तो वो हमारे प्रकृति का एक रूप है, और इसलिए मैं जिस पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, दो बातें बताकर मेरी बात पूरी करूँगा। पहली बात जो उन्होंने बताया कि बड़ पीपड़ बल ये कहाँ पर चले गए, आज किसने काट लिए, कहाँ चले गए, जब पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, तितलियाँ नहीं होंगी तो फिर हमारा फसल भी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना है, पॉलिनेशन नहीं होगा, ये सब एक चक्र है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि प्रति व्यक्ति भारत में पेड़ों की संख्या केवल 28 है, जबकि होने चाहिए 422। हमको लगता है हमारे पास पेड़ बहुत हैं, लेकिन मैं बता दूँ, अहमदाबाद में हम आए हैं, अहमदाबाद वाले बुरानामा ने, अहमदाबाद में प्रति व्यक्ति 11 पेड़ हैं, सूरत में केवल 7 पेड़ हैं, और दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में केवल 1 पेड़ प्रति व्यक्ति है। 422 पेड़ अगर नहीं होंगे तो ये प्राकृतिक संतुलन रहेगा ही नहीं, ये बात विचार करने की है। और 422 वर्सेज अबार 28 है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, पक्षी कहाँ बैठेंगे, हमको खाद कहाँ से मिलेगी, पानी कहाँ से मिलेगा, पूरा ये चक्र जो बदल रहा है इसका कारण है ये पेड़। और इसलिए हम सब किसान हैं, हमारे पास गांव के खेत हैं, क्या खेत की मेड़ पर हम पेड़ लगा सकते हैं क्या? और जब तक लगेगा नहीं, जब तक ये पर्यावरण का संतुलन नहीं बन सकता, और इसलिए पेड़ लगाने के पीछे बताया गया है, हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, एक पेड़ पूर्वजों के नाम लगाएं, एक पेड़ इस देश के नाम लगाएं, तो ये आगे की प्रकृति और हमारे बच्चों के लिए हम कुछ देकर जाएंगे। मैं एक बात पूछता हूँ, आप बुरा मत मानना, हमने सबने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा होगा, किसी ने अपना डेथ इंश्योरेंस करा रखा है क्या? मरने के बाद का इंश्योरेंस, लोग कहेंगे ये क्या होता है। देखिए, हम सब जिस धर्म में हैं, मरने के बाद भी 2 पेड़ों की जरूरत होती है, 5 कुंटल लकड़ी चाहिए। इस देश में हर वर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरते हैं, 2 करोड़ का जंगल तो हमारे यहाँ पर कटेगा ही। क्या कभी हमने विचार किया है कि मेरे जीवन में क्या कम से कम 2-4 पेड़ तो लगा दूँ, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ बच जाए। और इसलिए हमको ये, आज अगर कोई देशभक्ति की बात करनी है, आज अगर देश को बचाना है,
तो बचाने के लिए किसी पाकिस्तान के नक्शे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने से लड़ना है कि क्या मैं अगली पीढ़ी को कुछ देकर जाऊं तो एक पेड़ तो लगाऊं। आपकी जानकारी के लिए एक पेड़ लगाने का मतलब 24 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन उसके 60 वर्ष की उम्र में वो दे देता है। और इसलिए यहाँ पर पेड़ को क्या माना है, 10 पुत्रों से भी ज़्यादा, 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ को माना है। इतना बड़ा महत्व तो कभी हमारे यहाँ पर माना गया। तो ऐसा हम प्रकृति को बचाने के लिए, क्या हम इस प्रकार के पर्यावरण के लिए खुद के घर से, खुद के खेत से, खुद के प्रयास से इस प्रकार का काम एक पेड़ नाम देश के नाम कर सकते हैं क्या? एक बात, और एक अंतिम दूसरी बात है केमिकल के बारे में। जैसा बता रहे थे कल कि जब ज़मीन को हम लगातार केमिकल देंगे तो क्या होगा, उसके लिए खेत में क्या डालना है एक अलग बात है, लेकिन क्या मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में केमिकल का उपयोग कम कर दूं? इसलिए ये प्लास्टिक रूपी जो केमिकल है, सिंगल यूज पॉलीथीन, आप सोचिए मेरे पास है केवल एक छोटी सी निवेदन करके मेरी बात, ये छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, दूध की जो थैलियाँ होती हैं, उसके ये टुकड़े हम ज़मीन पर डालते हैं, सब डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ये छोटे छोटे जो पाउच हैं या थैलियाँ ज़मीन पर डालते हैं कि नहीं? ये डालने के बाद आपकी जानकारी के लिए, छोटे टुकड़े प्रतिदिन 1,00,000 टन इस ज़मीन पर जाते हैं। 400-500 साल तक वो ज़मीन में ही रहते हैं, ज़मीन की हत्या कर देते हैं, क्योंकि ज़मीन में वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, ज़मीन में पानी नहीं जाता है। क्या एक छोटी सी बात कर सकते हैं? इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर से, मेरे खेत से ये ज़मीन पर नहीं गिरेगा, इसको मैं अलग से डालकर उसको अलग करना है। ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं गया तो हमने इस भारत माता को बचा लिया, नहीं तो आने वाले दिनों में ये भारत माता बचने वाली नहीं। हम कितनी भी जय लगा लें, हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन। दूध की थैली के कोने काटते हैं कि नहीं? हम लोग काटते तो ज़मीन में जाते हैं कि नहीं? इस देश में प्रतिदिन 300 टन दूध की थैली के टुकड़े आप काटिए मत ना, उसको उसके साथ रखिए। ये छोटे छोटे जो व्यवहार के परिवर्तन हैं, ये बचत करना, ये बचाना, यही प्रकृति को बचाना है। और केवल इस बात को ध्यान रखें क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमको ये ना कह दें कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि जो हमको पानी में जहर, खाने में जहर और हवा में जहर देकर गए। कम से कम ये हमारी इस टोली की, यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या मैं मेरे खेत में, खेत का पानी खेत में रहेगा, मेरे खेत में पेड़ खेत का रहेगा, जितनी ऑक्सीजन खेत के लिए चाहिए, जितने पक्षी चाहिए वो सब होंगे, खेत के अंदर केमिकल नहीं, जो जैविक खाद की बात चल रही है, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इतना मैं कहकर अपने जीवन से समाज जीवन में परिवर्तन लाना, इतना कहकर मेरी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल जी आर्य साहब का, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। खिसे में वो सैंपल लेके ही आए थे कि ऐसे कई सारे टुकड़े हम दिन भर में जमीन पे, धरती माता पे फैलाते रहते हैं, पर्यावरण को नुकसान करते हैं। मुझे आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक प्रयोग करके देखो, गोमूत्र के अंदर ऐसे सब प्लास्टिक के टुकड़े डाल के देख लो कि 10-15 दिन में क्या हो जाएगा। भाई कर सकते हैं, हाँ, आप अपनी अपनी गौशाला में ऐसा करें, गाँव में गौशाला में सफाई करके जितने प्लास्टिक के टुकड़े आते हैं, एक बड़ा गोमूत्र का बैरल बना दीजिए। गोमूत्र एसिडिक है, एसिड है उसमें, तो गोमूत्र एसिडिक होने की वजह से हम देख लेंगे भाई उस प्लास्टिक का क्या होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे बिखरा हुआ प्लास्टिक हमारी गौमाता के पेट में जा रहा है। फिर हमारे कई गौशाला वाले कहते हैं हमने ऑपरेशन किया, 10 किलो प्लास्टिक निकाला। भैया वो डाला किसने? एक बहुत अच्छी बात आती है, छोटा सा बेटा कहता है मम्मी मम्मी कचरे वाला आया। मम्मी कहती है बेटा कचरे वाला वो नहीं, कचरे वाले हम हैं, क्योंकि हम कचरा, वो कचरा उठाने वाला है। तो कचरे उठाने वाले पे हम कितना बोझ डालेंगे? हम खुद कचरा ना करें, धरती माता को संजोए रखें। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के हार्दिक भाई काम हो, उत्तर प्रदेश के बदायूं से आदरणीय शिपराजी पाठक आए हैं,
4100 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। नदी को मजा नहीं आया पैदल यात्रा करने में? हाँ, पूरी नदी को जीवंत रखने के लिए प्रयासरत बनके एक पूरी नदी को जीवंत की है। वो बात मन की बात में भी आ गई और 10 साल से मन की बात हम सुनते हैं। अब हमारा दुर्भाग्य है कि उनको सबकी बात सुननी पड़ रही है। कल सुबह सुबह समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन समझ में आए तो। और उस नदी कांठे पे 25 लाख वृक्ष जिन्होंने लगाए हैं, ऐसे आदरणीय बहन शिप्रा जी पाठक को निवेदन करेंगे, 2 मिनट पधारे। अब इस माता की सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और इस प्रांगण में उपस्थित हर उस गौरवशाली व्यक्तित्व को नमन करती हूँ जो इतने अच्छे संकल्प के लिए आज अलग अलग स्थानों से आकर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा मंच है जो पंचतत्वों को लेकर बहुत बौद्धिक है और इस प्रांगण में लगभग हर बिंदु पर हम बात कर चुके हैं, तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। पर मुझे लगता है कि इस समय भारत की संस्कृति को एक निचोड़ से बचाया जा सकता है, पंच माताओं के संरक्षण से। भारत माता, पृथ्वी माता, तुलसी माता, नदी माता और हमारी माता। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस प्रांगण में उन पंच माताओं के प्रति जो समर्पण है वो एक दूसरे से समन्वय करता हुआ दिख रहा है। भैया के द्वारा जो यहाँ प्रकल्प आज है उसमें तालाब का संरक्षण है, मतलब कहीं ना कहीं हम जल को बचा के नदी माता को समर्पण दे रहे हैं। उसे देखकर पृथ्वी की मिट्टी उर्वरक हो रही है, मतलब पृथ्वी माता भी हमारे प्रति प्रसन्न है। नदी माता, पृथ्वी माता को देखकर हमारी माता को बड़ा गौरव हो रहा है कि ऐसे बच्चों को हमने जन्म दिया। जो तुलसी गाय माता, पृथ्वी माता और भारत माता का संरक्षण कर रहे हैं, तो अगर इन 5 माताओं पर काम होगा, संरक्षण होगा, सेवा होगी, समर्पित किया जाएगा, तो पूरे भारत की संस्कृति को हम बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। सोचने की बात यह है कि इतने एनजीओ, इतनी संस्था, सरकार द्वारा इतना काम होने के बाद भी बहुत क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिख रहे हैं। जैसे गोपाल भैया ने बोला कि हम थैली को एक कोने से काटते हैं और वो काटा हुआ टुकड़ा ही अगर प्रति व्यक्ति गुणा किया जाए तो कई टनों में बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीने का ढंग बदल गया है और इतनी बारीकी से बदला है कि मुझे आपको समझ भी नहीं आया। नदी के किनारे पर मेरी दादी और नानी, वहाँ तक मैंने व्यवस्थाएं देखी थी कि नदी की ही मिट्टी निकाल के दीपक बनाते थे, आरती करते थे और थोड़ी देर के बाद नदी की कोई लहर उस मिट्टी को अपने साथ ले जाती थी।